इडली बोंडा है, सिंगल इडली सिंगल बोंडा। वेलकम टू ऋतिक वाइब्स। अभी हम हैं अपन उत्तराखंड में। देखिए पूरा खोरा खोरा है, बहुत ठंडी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मसूरी। इसी प्लान बन गया और निकल गए, मैं और डैड है, मॉम घर पे, तो हम लोग और बुआ लोग सब लोग जा रहे हैं अभी मसूरी जा रहे हैं। तो देखो ठंडी कैसा है, कुछ नया व्लॉग बना रहा हूँ मैं इस बार, और जो भी है मसूरी का फूड कवर करूँगा साथ में। और ठंड देखिए कैसी है, धब्बा के ना कार दिख रहे हैं ना कुछ, देखिए। तो ऐसे बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें, ये है ब्यूटी ऑफ नेचर। तो अभी हम लोग चलेंगे, कार वेट कर रही है हमारी, वहाँ आगे कार वेट कर रही है, कार वेट कर रही है और हम निकल रहे हैं अभी, ठीक है ना। जो देखिए एंजॉय करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए, चलिए।
तो होटल को ऐसा है गाइस, अपन कुछ होटल में खाएंगे। मसूरी को आए तो कुछ तो खाना तो पड़ेगा ही, तो ऐसे मैंने बोला था कुछ तो कुछ कवर करूँगा बोले खाने का। पहाड़ा ग्रीन रेस्टोरेंट का अपनी कार है देखो, गाइस देखो ये पहाड़ों पे छोटे 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 घर है, इतना मस्त दिख रहा ना। और ये देखो कितना डेंजर है यार सच में, कि कैसा खड़े हैं घर देखो आप, पार्किंग एरिया है ये। तो ये हम लोग होटल पे आए थे गाइस, ये ग्रीन रेस्टोरेंट है इसका नाम। तो ये अपना जीरा राइस और ये क्या है पनीर, मिक्स पनीर, और ये अपने पराठे, तंदूरी रोटी है। हाँ, और ये कड़ी क्या है आपका? ये राजमा है। हाँ, और ये कड़ी है, ये कड़ी है, ये दो राजमा है, दो राजमा है, और ये रायता है, रायता, और डोसा भी क्या है, डोसा भी, डोसा भी है अपने पास, ठीक है। और ये अपना मेन्यू देख लीजिए, ये हम लोग है मसूरी में, मसूरी हम लोग घूमने के लिए, डोसा भी आ गया मसूरी के लिए आए थे। और देखिए कड़क कड़क डोसा अपना, डोसा लगे हैं, कड़क कड़क डोसा है। वैसे मज़ा डोसा का तो मॉर्निंग मॉर्निंग आता है, ये टाइम नहीं, बट फिर भी थोड़ा हैवी नहीं खाना। अगर ऐसे हम हिल स्टेशन पे है तो लोग हैवी नहीं खाना चाहिए एक्चुअली, इतना पेट। तो ये लोगों के पास अलग अलग वैरायटीज है, ब्रेकफास्ट के लिए अलग पकोड़े हैं बारिश के टाइम पे खाने के लिए, स्नैक्स है, लंच है, और ये रोटी के वैरायटीज है रोटी के लिए देख सकते हैं आप, और राइस के वैरायटीज है जैसे जीरा राइस है, फ्राइड राइस है, और सलाद है, और चाइनीज़ भी है, सूप्स है। तो ये अपने वैरायटी वैरायटी है, ऐसा मत सोचो कि अपन मसूरी आए तो कुछ खाने को नहीं मिलता, सब मिलता, बस बैठो और खाओ आराम से। रोटी का नाम बोलोगे तो मतलब प्लेन रोटी का मतलब था ना, तो प्लेन रोटी बोला था, तंदूरी रोटी है तो ये रोटी। तो मैं जीरा राइस ले रहा हूँ भाई, जीरा राइस खाऊंगा थोड़ा, पनीर तो अभी मन नहीं है, जीरा और ये क्या मुझे सब ये राजमा, इसका कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है, तो एक देखेंगे इसका कॉम्बिनेशन का टेस्ट कैसा आता है, तभी मैंने ट्राई नहीं करा। राजमा चावल, ये कड़ी है, कड़ी में बहुत टेस्ट है, देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है अभी, ठीक है ना। तो ये गाइस देखो ये है राजमा और चावल, थोड़ा सा कर्ड मैंने ऐड किया है, इसका टेस्ट देखेंगे कैसा है। ये हमारा डैड है, दबा के खा लिए फिर खाएंगे, बहुत टेस्टी खाना है। पर बेटे को गर्मी चढ़ी हुई है, गर्मी नहीं, दो दो टी शर्ट है अंदर, तो पहन नहीं रहा है, तो देखिए कैसा है टेस्ट इसका। एक बात बोलो, जो हैदराबादी है ना वो लोग स्पाइसी रहते खाने के लिए, यहाँ पे आपको आएंगे तो उतना स्पाइसी मिलेगा नहीं, लिमिट रहता, ये भी आप उससे उतना ही लिमिट लिमिट है, थोड़ा स्पाइसी नहीं है, बस यहाँ के वेदर के हिसाब से टेस्ट में तो अच्छा है, जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो मिल जाएगा, बस सेटिस्फैक्शन की बाद में करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद मेरे को मन हो रहा थोड़ा मैगी खाने का, ठीक है ना, तो मैगी यहाँ पे रेडी है गरम गरम, देखिए मैगी, तो मन हुआ हिल स्टेशन में ठंडी का टाइम, ठंडी में थोड़ा मैगी भी ट्राई कर लेंगे, मुझे मैगी भी मंगवा लिया, हमें खाएंगे अभी, ठीक है ना, चलो। गरम 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 गरम
मजा आ गया। इसको ख़त्म करते हैं, इसको ख़त्म करके फिर आ तुम ठीक है गाइस। चलो अपना पीछे का व्यू है, मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम करता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा अच्छा व्यू है, इसके पीछे ही है हिमालय। तो आप अगर थोड़ा पहाड़ के ऊपर अगर जाऊँगा ना मैं, तो आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे ठंड है, देख सकते हैं आप, जगह पे नाम है। तो अगर आप यहाँ हिल स्टेशन को आ रहे हो ना, तो कुछ ट्रैवल कर रहे हो तो मसूरी पक्का हो, बहुत अच्छा जगह है। फैमिली के लिए अच्छा है, कपल्स के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ आए तो ज़रा लिमिट में खा के आइए, ठीक है ना। कि बोले तो जैसा मैं अभी मेरे साथ हुआ, हम लोग कार में आ रहे थे और मेरे को बहुत सारे मतलब वॉमिटिंग्स हो रहे थे, बिकॉज माउंटेन है तो पूरा रोड एक ज़िगज़ैग रोड है और मेरे को इतना हैबिट नहीं है कि ट्रैवलिंग का, तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था एकदम चेस्ट में और स्टमक में। तो उसे कुछ ज़्यादा खाने की ज़रूरत मत, मतलब कुछ ज़्यादा खाओ मत, लिमिट में खाओ और अच्छा एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, उसका नाम मुझे तो नहीं पता, वहाँ जाके मैं बताऊँगा क्या है वाटरफॉल का नाम, ठीक है ना। देखते रहो वीडियो और इन्जॉय करते रहो। ये वाटरफॉल जाने का रास्ता है नीचे, ठंडी है। देखिए वाटरफॉल, देखिए झरना, हल्का सा आगे से ऊपर रखो, हाँ ये वाला, एक सेकंड रुको, बस डाउन करो, चले कहीं बार पकड़ना नहीं जी, टूट कुछ भी नहीं है, सेफ। चलो जी जी, मजा आ गया गाइस, डेयरनेस आ गया, डेयरनेस। ओ हाथा पाँव ठंडे हो गए, कपड़े अभी भी। मजा आ गया। मेरा भी फोटो ले लेंगे, ठीक फोटो जी लिखा वाला जी।
प्रैक्टिस नहीं है अभी टाइम देखो क्या हो रहा है। चलने दो चलने दो। दूसरे की बोर्ड दिखना तब तो मजा आता है। दूसरे की बोर्ड दिख नहीं रही।